अद्भुत है, इसमें मिट्टी में है कि क्या है, कि किसी का श्राप है कि क्या, ये तो आज तक कोई जान ही नहीं पाया। 1940 से यहाँ पे जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं। अमेरिका से साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने भी नहीं बता पाया कि यहाँ पे ये क्या करामात है। कंफ्यूज हो जाते हैं अचानक जैसे देखते हैं। बदमाशी हम करके और घर से बाहर निकल गए, ये सामने आ गए, अब्बू ने मारा दो हाथ। तो पुलिस वाला हमसे सवाल करता है कि बेटा तू पानी टंकी पे खड़ा रहता है, मैं मोटरसाइकिल से आता हूँ, मुझसे पहले तू बमरौली में कैसे खड़ा हो जाता है। हम कहा डबल है। पुलिस वाले हमको पकड़ लिए, अबे तू ही था, चल बताए साहब मैं नहीं हूँ। एक को खिलाई तो एक अपना बाहर चली गई, फिर उसी को मैं बुला के बैठा लेती, तो वो चिल्लाने लगी मैं कितनी बार खाऊंगी, बार बार यही चीजें मैं ही खाऊं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। जरा सोचिए, आपको हूबहू अपने जैसी कोई शक्ल नजर आ जाए तो आप कितने हैरान हो जाएंगे, और अगर आपको एक नहीं बल्कि कई चेहरे अपने जैसे ही नजर आ जाए, बिल्कुल सेम टू सेम, तब क्या होगा आपका हाल? चकरा जाएंगे ना। जैसे अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं ये वाली असली हूं या वो वाली, मैं यहां पर बैठी हूं या वहां पर। एक जैसे कई शक्लों की कहानी हम आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन अभी हम आपको एक ऐसे अद्भुत गांव लिए चलते हैं जहां पर एक शक्ल दो दो है। जी हां, हर इंसान का दूसरा जीरोक्स। यहां एक के साथ एक फ्री मिलता है। वहां एक लड़की आते जाते देखते देखते उनको कभी हमको हमसे प्यार हो गया, भैया लव लेटर देने को बुलाई, 7 बजे आना लव लेटर देंगे। ये अपना गए 6 बजे लव लेटर मिठाई वगैरह लेके गांव में खा रहे हैं, सबको सुना रहे हैं। वो भी सेम टू सेम मिलता है। भाई ये तो बहुत कई सालों से होता चला रहा है सर। एक बार नहीं, बार बार मिलता है। मगर यहाँ कुदरत का क्या करिश्मा है ये हम लोग नहीं बता सकते, वो तो ऊपर वाला ही बता सकता है कि यहाँ पे क्या है। इंसान तो इंसान, जानवरों को भी डबल मिलता है। वहां तो जानवर तक जो सर जुड़वा बच्चे देते हैं। जिसे इस गांव की मिट्टी छू जाए उसे भी मिलता है, और तो और मेहमान भी मालामाल है। ये गांव अविश्वसनीय है, कमाल है। आपका स्वागत है दुनिया के सबसे अद्भुत गांव में। दादा जुड़वा, पापा जुड़वा, भाई बहन हुए तो वो भी जुड़वा। अब आप इसे केमिकल लोचा कहें या गांव की आबो हवा की खासियत, इलाहाबाद के मोहम्मदपुर उमरी गांव के लोग इसे कुदरत का करिश्मा मानते हैं। वो जाने दूध में है, मट्टी में है, पानी में है, किस चीज में है, ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है कि यह जुड़वा होते क्यों है। भाई साइंस न इतनी आगे न तो जानते, जो भी है सब ऊपर वाले के हाथ में है। ये तो सर कुदरत का ही करिश्मा हम समझेंगे, गांव ही अद्भुत है। मगर हम लोग अब यही मान रहे हैं कि ये कुदरत की माया है, बाकी और अब हम लोग के सर से ऊपर चला गया है ये चीज। देसी आए, विदेशी आए, वैज्ञानिक आए, रिसर्चर आए, न जाने कितने आए और कितने गए, लेकिन ये सवाल सवाल ही रह गया कि आखिर क्यों इस गांव में बस जुड़वा ही जुड़वा है। दिलचस्प बात ये है कि अब इस गांव में इंसान तो इंसान, जानवरों के भी जुड़वा बच्चे होने लगे हैं। गाय को भी और भैंस को भी डबल डबल अभी भी है। हाँ, हमारे यहाँ इंसान को छोड़िए, गाय और भैंस के डबल बच्चे, और अंडे में डबल जर्दी। आप तो कहीं देखे होंगे, मेरे गांव में अभी चलिए, अगर आप चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, एक गाय के 2 बच्चे, भैंस के 2 बच्चे, जबकि एक ही एक होते हैं। कहीं ऐसे कभी बाई चांस, हमारे गांव में तो कई जानवर के हो चुके हैं। इंसान तो क्या, जानवर तो कई ऐसे मिसाल अभी कायम हैं और मौजूदा भी हैं कि करीब करीब 4-6 तो अभी सामने ही हैं। गांव वालों ने बताया कि जो लोग इस गांव के नहीं हैं लेकिन किसी न किसी रूप में गांव से जुड़े रहे हैं, उनके भी अब जुड़वा बच्चे होने लगे हैं।
हमारे बगल में एयरफोर्स है, वहाँ कुछ वहाँ के लोग आते हैं गांव दूध लेने, तो यादव जी हैं वो 18 साल यहाँ वहाँ होके पोस्टिंग होके आ गए, कोई उनकी औलाद नहीं हुई थी, हमारे गांव से दूध ले जाने लगे तो उनको जुड़वा औलाद हुई। यहाँ तक कि सर बमरौली एयरफोर्स जो पास में है, कई बार तो वहाँ भी जो दूध दूध लेने आते हैं उनको भी एक दो बार जुड़वा बच्चे हुए हैं। कोई आज तक पता ही नहीं पाया कि इसमें मिट्टी में है कि क्या है, कि किसी का श्राप है कि क्या, ये तो आज तक कोई जान ही नहीं पाया। ये तो बहुत कई सालों से होता चला रहा है सर। जितने मुंह उतनी बातें, कोई कहता मिट्टी में ही कुछ बात है, कोई कहता पानी कमाल का है, तो कोई हवा को करिश्माई बताता। अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय की टीम ने गांव जाकर इस अद्भुत रहस्य को समझने की कोशिश की। उफ, कितना कंफ्यूजन है, हमें तो कई हिंदी फिल्में याद आ गईं, सीता और गीता, राम और श्याम, यहां तक कि वो फिल्म अंगूर जहां पर दो जोड़ी जुड़वा थे, वही जो विलियम शेक्सपियर की नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स पर आधारित थी। अब सोचिए वहां पर केवल दो से तीन जोड़ी जो कि जुड़वा है, और इस गांव में सिर्फ जुड़वा ही नहीं तिड़वा भी है। जोड़ जोड़ जोड़ियां एक नहीं दो, जोड़ जोड़ जोड़ियां एक नहीं दो, बोलो गुरु बोलो गुरु। गांव के लोगों ने बताया कि ये तो बस झांकी है, गांव के अंदर जुड़वों की अभी पूरी पिक्चर बाकी है। यहाँ 2500 से ज्यादा है, दो चार छह दस का नाम बता पाएंगे। पड़ताल की तो पता चला कि लगभग 80 से 84 साल से इस गांव में जुड़वा बच्चों के होने की परंपरा चली आ रही है, और ये जुड़वा न सिर्फ जोड़ी से पैदा होते हैं बल्कि ज्यादातर उनमें हम शक्ल भी होते हैं, मतलब सेम टू सेम, यानी फैमिली से लेकर गांव तक में फुल कंफ्यूजन। एक भाई अगर जाता है कहीं दुकान पे, अगर उधार सामान लेके चला आता है और जब दूसरा जाता है तो उससे पैसा मांगा जाता है, तो वो यही बताता है कि भैया हम नहीं थे, हमारा दूसरा भाई था, किसान खड़े हैं, इनके घर से हमारा अच्छा रिलेशन था, हम गए तो हमने कहा खड़े थे किसान, हम जिसान, हमने कहा मैं किसान, हमें ये काम करना है, तो वो हंसने लगे, बोलने लगे कि अरे यार प्रधान जी हम किसान हैं अतिसान नहीं है। तो इस तरह के वाक्या अक्सर होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। बात अगर सिर्फ गांव वालों तक की होती तो फिर बात ही क्या थी, यहाँ तो बीवियां भी अक्सर इस चक्कर में घन चक्कर बन जाती हैं कि उनका शौहर उनका देवर है या जो देवर है वो उनका शौहर। और एक दिन ये 11 बजे थे रात को, इनके डैडी दरवाजा खटखटाए थे, मैंने कहा कि क्या हुआ, तो बोले खोलो मुझे टीवी देखना है। मैंने कहा नहीं बच्चे तो सो रहे हैं आप टीवी कैसे देखेंगे, मैं सोची कि ये इनके डैडी हैं लेकिन इनके पप्पा थे। मैंने नीचे इनकी फूफी को आवाज़ दिया, मैंने कहा देखिए वो बड़े वाले गुड्डू भाई क्यों आवाज़ दे रहे हैं, क्योंकि जो है तो 11 बज रहे हैं बच्चे सो रहे हैं ये टीवी देखने को बोल रहे हैं। बोले अरे गौर से देख तो वो होंगे जीशान के पप्पा। मैंने कहा नहीं मैंने देखा है दूरबीन से, वो जो है तो ये नहीं है। फिर मैंने आवाज़ दी, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं ही हूँ खोल दो। अच्छा ये कन्फ्यूजन आखिर हो भी क्यों ना, इन्हें देखिए, इनमें एक छोटे गुड्डू है एक बड़े गुड्डू, कदकाठी भी एक, शक्ल भी एक, और तो और हरकतें भी एक जैसी। अगर इनमें से कोई एक दूसरे के कपड़े पहन ले तो दिमाग का दही होना तय है। इनकी वाइफ आई, गवन आई थी, सब्जी वगैरह काट रही थी, और ये इनको मैं बाहर जाते देखा, ये गए, मैंने कहा चलो थोड़ा शरारत करते हैं, और सब्जी काटते बैठी थी, हम आ रहे थे, इनका कपड़ा पहन के हम आ गए और चुपचाप देखती रहे हमें, बोली कहीं तुम जाने वाले तो गए क्यों नहीं, तब नहीं मन किया नहीं गए। फिर उसके बाद बैठ के कुछ देर हंसी मजाक होने लगा, छोटा भाई तो वो हंस दिया, उसके बाद में वो हंस के बता दिया अरे ये वो भैया नहीं है ये तो छोटे वाले हैं। छोटे गुड्डू बड़े गुड्डू की जवानी कब के गुजर के सफेद हो गई, लेकिन हमशक्ल होने की वजह से जवानी के दिनों में जो लुत्फ उठाए वो अब भी उनके मन को गुदगुदाते हैं। वहाँ एक लड़की आते जाते देखते देखते उनको कभी हमको हमसे प्यार हो गया, भैया लव लेटर देने को बुलाई, और उसका दिवाली का दिन था, हमसे बोली आ जाना 6 बजे 7 बजे आना लव लेटर देंगे। हम चले आए भैया मार्केट आए अपना घूम टहल रहे थे, फिर उधर कहीं जा रहे दिन से कह रहे सुनो 6 बजे आ जाना।
ये अपना गए 6 बजे लव लेटर मिठाई वगैरह लेके गांव में खा रहे हैं, सबको सुना रहे हैं। हम मार्केट से घूम टहल के अपना 7 बजे गए कि अभी तो हमको लव लेटर मिलेगा। खिड़की के सामने खड़े हैं, खिड़की खुली नहीं रही, कुछ देर बाद खुली, कहीं क्या हुआ आप, क्या हुआ? हमने कहा भैया लव लेटर मिठाई क्या देने बोली थी, कहाँ है? कहीं दे तो दिए, हम समझ गए भाई साहब हमारे ले गए। है ना एकदम फिल्मी कहानी, छोटे गुड्डू बड़े गुड्डू की। लेकिन रुकिए, जरा इनसे भी तो मिल लीजिए। ये है इमरान और फरहान। इमरान फरहान अगर कपड़े अलग अलग न पहने तो इनके अम्मी अब्बू तक न पहचान पाए, हमारी आपकी तो क्या बिसात। अमूमन देखा जाता है कि पहनावे में फर्क कर दिया जाए तो पहचान लिया जाता है जो हूबहू एक जैसे दिखते हैं जुड़वा बच्चे उनको। लेकिन असरा और इमरा, इनकी कहानी जरा देखिए, न सिर्फ एक जैसी दिखती हैं बल्कि आदतें भी एक जैसी, सेम टू सेम। यानी कि न सिर्फ परिवार वाले बल्कि जो आस पड़ोस वाले हैं उनके लिए भी फुल एंटरटेनमेंट है। मैं अब इन लोगों की ड्रेस है या कुछ चीज़ तो अलग अलग लेती हूँ, नहीं पहले सेम सेम लेकर आती थी, सेम ही रहता था जो चीज़ें ना, तो अगर एक को खिलाई तो एक अपना बाहर चली गई, फिर उसी को मैं बुला के बैठा लेती तो वो चिल्लाने लगती, मैं कितनी बार खाऊंगी, बार बार यही चीज़ें मैं ही खाऊँ, उसको तो बोलती नहीं है। और अभी भी है यही चीज़, इसीलिए मैं दोनों को साथ में ही बैठा के खिलाती हूँ। अचानक जैसे कोई भी अचानक देखे तो नहीं समझो, गौर से जब देखो तो पता चल जाता है थोड़ा। और अभी धीरे धीरे जब जस बड़ी हो रही तो जैसे और मिलती जा रही हैं, पहले तो थोड़ा वो फर्क आ गया था, मतलब अब तो और जैसे एक तरह होते जा रही हैं। गांव में ही जोया और इमरा की भी जोड़ी है। दोनों अभी बहुत छोटी हैं लेकिन एक दूसरे का आईना है, न सिर्फ सूरत बल्कि सीरत में भी दोनों एक हैं। दोनों में इतनी समानता है कि अगर एक की तबीयत बिगड़े तो दूसरे को भी अस्पताल ले जाना पड़ता है। यही है कि अगर ये जैसे अभी इसको फीवर आ गया है, अब आज नहीं कल तक इसको आना ही आना है, अगर एक बीमार होती है दूसरी बीमार होना ही है। अगर आप इस एक गांव की कहानी सुनकर हैरान हैं, तो हम आपको बता दें कि ये दुनिया का इकलौता गांव नहीं है, और जो दूसरा जुड़वों का गांव है वो भी हिंदुस्तान में ही है। उस गांव में हम आपको लिए चलेंगे, साथ ही इस सवाल का जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है, क्या ये पूरे के पूरे गांव का जेनेटिक्स इसका जवाब देगा, क्या विज्ञान के पास है इसका कोई जवाब, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए अद्भुत अविश्वसनीय, इसे कुदरत का करिश्मा कहे या कोई अनसुलझी पहेली, ये जवाब या तो वक्त के पास है या फिर विज्ञान के पास। लेकिन ये है इतना अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय कि इस गांव को दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा माना जाता है। एक को पुकारो दो दो चले आते हैं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, हर सीधे रास्ते की है तेरी चाल है, सीधे रास्ते की है तेरी चाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। इलाहाबाद के गांव से चलिए अब केरल की ओर चलते हैं। इस गांव में 350 से ज्यादा जुड़वा मौजूद हैं, और सिर्फ जुड़वा नहीं बल्कि हूबहू एक दूसरे की कार्बन कॉपी। ये अद्भुत तस्वीरें हैं केरल के मल्लपुरम जिले के कुडिन्ही गांव की। इस गांव में नवजात बच्चों से लेकर 80 साल तक के बुजुर्गों के भी जुड़वा हैं। जुड़वा लोगों की आबादी के हिसाब से दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है ये गांव, जबकि एशिया महाद्वीप में पहले नंबर पर। जुड़वा लोगों की आबादी के लिहाज से नाइजीरिया का गांव इग्बो ओरा दुनिया में पहले नंबर पर है। करीब 70 साल पहले कुडिन्ही में जुड़वा बच्चों के जन्म का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब और तेज हो चुका है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुल जुड़वा आबादी के आधे से ज्यादा लोग पिछले 10 सालों में पैदा हुए हैं। साल 2008 में केरल का कुडिन्ही गांव दुनिया भर की निगाहों में तब आया जब यहां एक साथ 15 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। ये संख्या दुनिया भर के औसत से लगभग 6 गुना ज्यादा है। दुनिया में 1000 बच्चों पर 4 जुड़वा जन्म लेते हैं, जबकि एशिया में ये संख्या और भी कम है।
लेकिन कोडिनी में 1000 बच्चों पर 45 जुड़वा जन्म ले रहे हैं। इलाहाबाद का मोहम्मदपुर उमरी गांव हो या केरल का कोडिनी गांव, सवाल ये है कि यहाँ इतनी बड़ी तादाद में जुड़वा क्यों है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक यहाँ आते हैं, लेकिन कोई भी जांच निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी। अमेरिका से साइंटिस्ट आए थे यहाँ पे, वो मिट्टी पानी बहुत कुछ ले गए, मगर कभी वो उन्होंने भी नहीं बता पाया कि यहाँ पे ये क्या करामात है। इसमें कई साइंस मतलब कई टीमें आई और रिसर्च किए, विज्ञान लोग आए, सब कुछ किए, मतलब इससे कुछ पता नहीं चला कि ऐसा क्यों मिट्टी में है, पानी से है, क्या है। गांव के लोग मानते हैं कि यहाँ की मिट्टी या पानी में ही कोई खासियत है, लेकिन विज्ञान का तर्क जुड़वा बच्चों को लेकर अपनी जगह है। ट्विंस होने के बहुत सारे कारण हैं, या तो कोई फैमिलीज में लोगों की रन करते हैं ट्विंस, या फिर कोई IVF ट्रीटमेंट या इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट जब कराते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं ट्विंस होने के। आइडेंटिकल ट्विंस बिल्कुल एक जैसे होते हैं, एक ही सेक्स के होंगे। जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हैं वो दो डिफरेंट सेक्स के हो सकते हैं और एक जैसी उनकी कोई शक्लें नहीं होंगी, वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। नॉर्मली एक एम्ब्रियो अगर दो में डिवाइड करता है तो वो आइडेंटिकल ट्विंस, हाँ, और अगर अलग दो एम्ब्रियोज बने तो वो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। विज्ञान के मुताबिक या तो उन परिवारों में जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं जहां पहले से ट्विंस की कोई हिस्ट्री हो, या किसी तरह की दवाइयों के सेवन से ही जुड़वा बच्चे जन्म ले सकते हैं। लिहाजा जब उनसे इलाहाबाद और केरल के गांव में हर घर में जुड़वा होने की वजह जाननी चाहिए तो जवाब ने रहस्य को और रहस्यमयी बना दिया। या तो कुछ इलाज हो रहा है उनका, ऐसे इस तरह से एक जनरल पॉपुलेशन में, एक ही पॉपुलेशन में क्यों ट्विंस हो रहे हैं, तो क्या वो कोई दवा खा रहे हैं एक बनने की जिसके करके किस तरह से हो रहा है, या कोई इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिससे एग मल्टीपल बन रहे हैं, एक कारण ये हो सकता है। वरना एक गांव में ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन पूरी जनरल जो पॉपुलेशन है उसमें जो इंसिडेंस है वो करीब 20% के है आसपास है ट्विंस का इंसिडेंस। और अगर हम इलाज से बच्चे जो होते हैं IVF से, तो उसमें देखा जाता है 30-40% है। तो अगर एक गांव में इतना इंसिडेंस है, या तो वो किसी तरह का इलाज ले रहे हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते ज्यादा। एक तर्क ये दिया जाता है कि अक्सर उन परिवारों में जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं जहां नजदीकी रिश्तों में शादी की जाती हो, जैसा कि मोहम्मदपुर उमरी या कुडिनी गांव में संभव है, लेकिन विज्ञान ऐसी किसी भी संभावना को खारिज करता है। एक्चुअली तो थियोरेटिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि पूरा गांव ही सिर्फ ट्विंस ही ट्विंस। एक्चुअली मतलब फ्रॉम द सर्वेज ऑफ द पॉपुलेशन इट इज नॉट लाइक कि एक गांव में, एक ही पॉपुलेशन में सिर्फ ट्विंस ही पैदा हो रहे हैं। फिर क्यों हो रहे हैं इन दोनों गांवों में इतने जुड़वा, ये अब भी अबूझ पहेली है जिसे कोई सुलझा नहीं पाया है। जुड़वा क्यों होते हैं इसका जवाब विज्ञान के पास है, लेकिन पूरा का पूरा गांव ही जुड़वा हो ये अभी रिसर्च के दायरे में। खैर, जुड़वों से परे क्या आपने अपना कोई हमशक्ल कभी देखा है? नहीं देखा? कम से कम इतना तो आप जानते होंगे कि इस धरती पर एक ही शक्ल के 7 लोग रहते हैं। आपको ढूंढना है अपना हमशक्ल, हम बताएंगे आपको तरीका इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। 7 समंदर, 7 महाद्वीप, 7 सुर, इंद्रधनुष के 7 रंग, दुनिया में 7 अजूबे। लेकिन सबसे बड़ा अजूबा क्या? वो ये कि आपकी ये जो शक्ल है वो दुनिया में अकेली नहीं है। इस सूरत वाले 7 लोग इस धरती पर बसते हैं। आपको लगता होगा ये किस्से कहानियों की बात है, ये कहावत है, लेकिन ये हकीकत है और कई लोग इसकी तलाश में निकल भी चुके हैं। नहीं,
ये मत समझिएगा कि ये कोई ट्रिक है या फिल्मी सीन है। ये सब अलग अलग लोग हैं जो एक जैसे हैं, एक दूसरे के हमशक हैं। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि न तो ये एक शहर या एक गांव से है, न ये एक परिवार से है, और न ही ये एक दूसरे से पहले कभी मिले थे। बिल्कुल, दुनिया में एक तरह के सात तरह के लोग होते हैं। मैं साइंटिफिक भी ये बात मानती हूँ, साइंस भी ये बात मानता है, और ज्योतिष में भी ये बातें मानी जाती हैं कि एक जैसी शक्ल के, मतलब ये कहना कि बिल्कुल हम शक्ल होते हैं ये गलत होगा। आँख नाक कहीं ना कहीं झलक एक दूसरे की, एक दूसरे के साथ मिलती हुई दिखाई देती है, ऐसा होता है। आपने सुना तो होगा कि धरती पर एक शक्ल के सात लोग होते हैं। आयरलैंड की रहने वाली नियाम जीनी ने इसे ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। Oh my God, so weird. अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने ट्विन स्ट्रेंजर्स के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की। ट्विन स्ट्रेंजर्स यानी दो ऐसे जुड़वा जो अजनबी हों। वेबसाइट के जरिए नियाम अब तक अपनी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन हमशक्ल से मिल चुकी हैं। Within months, I myself had already found two amazing lookalikes. And you won't believe it, but my twin stranger search has now delivered a third lookalike. और अब वो जोर शोर से अपनी बाकी तीन लुकालाइक्स की तलाश कर रही हैं। सबसे अद्भुत बात तो ये है कि नियाम की शक्ल अपनी सगी बहन से उतनी नहीं मिलती जितना कि अपनी अजनबी जुड़वाओं से। कहीं ना कहीं उस जाति से इन दोनों का संबंध कभी ना कभी जरूर रहा होगा, किसी ना किसी तरह से। आखिर आप या मैं, ये सारा संसार कहीं ना कहीं निकला तो एक ही जाति से, कभी हमारे पूर्वज एक ही थे। यानी जो सुना था कि हर इंसान के साथ हम शक्ल दुनिया भर में कहीं ना कहीं होते हैं, उस पर यकीन न करने की गुंजाइश जरा कम हो जाती है। जिन्होंने तलाशा, उन्हें उनके हम शक्ल मिले और अब भी मिल रहे हैं। He decided to test out how close we really look like compared to her actual sister, Aoife. Hello. Twins. How are you? Lovely to meet you. You do look alike. यही जिज्ञासा मुझ में भी जागी और मैंने अपनी एक हमशक्ल तो ढूंढ ही ली। अधिकतर लोगों की राय में पाकिस्तान की रहने वाली कुरतुल एन बलोच से मेरी शक्ल काफी मिलती है। कुरतुल एक गायिका है और लगता है मुझे अब केवल अपने जैसी पांच और सूरतों की तलाश करनी है। जुड़वा वो होते हैं जो एक ही कोख से जन्म लेते हैं, लेकिन अलग अलग परिवारों में, दुनिया के अलग अलग कोनों में एक जैसी शक्लें जब नजर आती हैं, वाकई अद्भुत। और आपके और मेरे लिए ये मुश्किल हो सकता है ढूंढना कि हमारे हमशक्ल कौन है, दुनिया के किस कोने में है, लेकिन सेलिब्रिटीज को कई दफा अपने साथ के साथ हमशक्ल मिल जाते हैं। मोदी एक ऐसा जादूगर है, देश के लिए जीने का समय है। अच्छे दिन। इन्हें कौन नहीं जानता, ये हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2014 के आम चुनावों के दौरान जमकर प्रचार किया, 250 से ज्यादा ताबड़तोड़ रैलियां की, जहां नहीं पहुंच सके वहां 3D टेक्नोलॉजी के जरिए जनता से मुलाकात की, नरेंद्र मोदी जहां गए भीड़ ने घेर लिया, अरे रुकिए, खा गए ना गच्चा आप भी। ये जो साहब हैं, ये नरेंद्र मोदी नहीं, ये नरेंद्र मोदी के हम शक्ल हैं। और ऐसे एक दो नहीं, कम से कम सात हम शक्ल तो हम हिंदुस्तान में ही देख चुके हैं, आप भी देखिए।
ये लहर है, ये बहुत बड़ी लहर तो है मगर उससे बड़ी आंधी है और देशद्रोहियों की बर्बादी है। इनका कद, अंदाज, स्टाइल सब नरेंद्र मोदी जैसा है, लेकिन आवाज उनसे नहीं मिलती। भारत माता की वंदे वंदे इंकलाब इंकलाब। इसे सात हमशक्ल के नजरिए से देखिए तो ये कहानी वाकई अद्भुत है। इनसे मिलिए, ये सलमान खान नहीं नजीम खान। ये न सिर्फ सलमान जैसे दिखते हैं बल्कि इनकी तो आवाज भी सलमान जैसी है। Acted as a Salman and Tere Naam Ke Gaane Mein I did some lip sync and all. So from that moment when my family, my friends used to see me, my relatives, they told me that Najim, you look like Salman. Thoda aankhe se ya thoda face se, that main bahut chota tha. Jaise main bada hote hi gaya to I used to hurt for most of the people. Main kafi logon se mujhe sunne ka mauka mila ke that you look like Salman. Agar ek banda zyada ek bande ke look like hota hai, उसे देख देख के वो इसे एहसास करता है किसी दिन कि शायद मैं वही हूँ और लोगों को भी मेरे साथ वैसे अंदाज में लोगों को भी मेरे साथ आना चाहिए। लेकिन ये एक वो हो जाता है, स्प्लिट पर्सनैलिटी हो जाता है। बाद में ये ऐसा फीलिंग होता है कि मैं उसकी तरह बोल भी लूँ, चल भी लूँ, एक्ट भी उसकी तरह कर लूँ, जितना कोशिश भी कर लोगे कि उससे भाग जाऊँ, नहीं भाग पाओगे। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये स्प्लिट पर्सनैलिटी अपने लिए मैं ले लूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जितने हम काम कर ले अपने अंदाज से करते हैं, कुछ अलग करते हैं। लेकिन अगर मैं जैसे भी कोई फ़ोटो खिंचवा देता हूँ, सूट के साथ खिंचवा देता हूँ तो पार्टनर मूवी की तरह हो जाता है, इनरवेयर के साथ खिंचवा देता हूँ तो किसी और मूवी के लिए चला जाता है, क्योंकि सलमान भाई ऑलरेडी हैड ऑल दिस लुक्स। सो मैं अपनी तरफ से और क्या लुक बनाऊँ, मैं जो भी लुक ट्राई कर रहा हूँ तो मुझे कोई खास लुक नहीं मिला। अगर हेयर स्टाइल भी चेंज करते हैं तो नीचे कर लेता हूँ, मुझसे शादी करोगे हो जाएगा, ऊपर हो जाता हूँ, तो इट गिव्स द टच फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन। दरअसल सेलिब्रिटीज को अपनी सात सूरतें ढूंढने में मुश्किल नहीं आती। हाँ, मुश्किल ये है कि जो पहले फेमस हो गया बाकियों को उसका डुप्लीकेट ही माना जाता है और सात चेहरों की अद्भुत कहानी कहीं खो जाती है। कई दफा चेहरा मोहरा मिलता जुलता न हो तब भी चश्मा पहनकर, हेयर स्टाइल मिलाकर उन जैसा दिखने की होड़ हो जाती है। रणबीर कपूर हो या फिर अरविंद केजरीवाल, स्वामी रामदेव, पाल ठाकरे, कलाम साहब, सबको अपनी एक एक शक्ल तो मिल ही गई है। हाँ, आपको ढूंढना हो तो कोशिश जरा कड़ी करनी होगी, क्योंकि आज से नहीं सात सूरतों की कहानी तो सदियों से सिद्ध होती आ रही है। इंसान को भी सात तरीके का बनाया और सात रूप में बनाया। एक ही इंसान के सात रूप होते हैं अलग अलग, चाहे वो पुरुष हो चाहे कन्या हो। हो सकता है वो एक जगह ना हो, एक देश में ना हो, अलग अलग महाद्वीप में हो। तो इस तरह से सात रूप जरूर होते हैं इंसान के, ये देखा गया, क्योंकि ये प्रभु की ही कृति है। इस एक दुनिया में आपके चेहरे जैसे कितने चेहरे हैं, ये सारी चीजें हैरान जरूर करती हैं, लेकिन आपके इस एक चेहरे में कितने चेहरे हैं ये हम आपको बताएंगे एक बेहद अद्भुत किस्सा। अगर एक चेहरे से कई कई चेहरे देखकर आप हैरान हैं तो अब अपने चेहरे के बारे में सबसे अद्भुत बात जानने के लिए तैयार हो जाइए। जब आप आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो आपको एक शक्ल नजर आती है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उस एक शक्ल में दो। आज पढ़ेंगे हम चेहरे के अद्भुत विज्ञान को। ये तो आप जानते होंगे कि हमारे चेहरे का दायां और बायां हिस्सा अलग होता है, पर इतना अलग कि दाएं और बाएं को अलग कर दें तो दो अलग अलग सूरतें दिखेंगी, यकीन नहीं होता ना? तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। ये चेहरा पहचानते हैं ना आप? अब हम इस तस्वीर को दो टुकड़ों में बांटते हैं, बाएं को फ्लिप करके यानी पलट कर बाएं से ही जोड़ते हैं, एक तरह से मिरर इमेज समझ लीजिए, और दाएं को फ्लिप करके दाएं से जोड़ देते हैं। अब ये देखिए, बाएं वाला चेहरा और दाएं वाला चेहरा, लग रहा है ना दो अलग अलग लोगों का चेहरा?
ये कोई करिश्मा नहीं है, ये विज्ञान है। हमारे एक चेहरे में दो चेहरे छिपे होते हैं। जो चेहरा होता है उसमें भी लेफ्ट साइड और राइट साइड होता है, बट कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है वो राइट और लेफ्ट मिला के सामने मिलता है। राइट और लेफ्ट चेहरे में डिफरेंस क्यों होता है, उसमें एक मेन रीज़न ये भी होता है कि जैसे जो मैं आपको बताया कि जीन्स जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में, जो डीएनए के जीन्स होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, तो जो ये राइट साइड और लेफ्ट साइड है, जैसे राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड होता है, ऐसे ही जीन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में जो कि ये डिसाइड करते हैं कि एक आदमी जो है वो आगे जाके राइट हैंडेड होगा कि लेफ्ट हैंडेड होगा। सिमिलर जीन्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि राइट साइड ऑफ फेस कैसा होगा और लेफ्ट साइड ऑफ द फेस कैसा होगा। तो जब बच्चा होता है छोटा, उस समय भी थोड़ा सा बहुत ही मिनिमल डिफरेंस होता है राइट साइड ऑफ फेस लेफ्ट साइड ऑफ फेस में। दरअसल एक बेहतरीन पहलू है जो इंसान के व्यक्तित्व से झलकता है। न्यूयॉर्क के फोटोग्राफर एलेक्स जॉन बेक ने ये समझने के लिए कुछ तस्वीरों के साथ इसी ट्रिक का इस्तेमाल किया और चेहरे के अंदर छुपे दूसरे चेहरे को सामने लेकर आए। एक थ्योरी के मुताबिक हमारे चेहरे का बायां हिस्सा दाएं हिस्से के मुकाबले ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है। दिमाग का बायां हिस्सा भाषा पर नियंत्रण रखता है, जबकि दायां हिस्सा पहचानने की क्षमता के साथ साथ बाएं हिस्से को भी संभालने का काम करता है, यानी दोनों ओर रेखाएं भी अलग होती हैं। लिहाजा जब तस्वीर के एक हिस्से को पलटकर अलग अलग चेहरे बनाए जाते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। जुड़वा लोगों की अद्भुत कहानियां हो, हम शक्लों की अविश्वसनीय दुनिया हो या चेहरों का अकल्पनीय विज्ञान, ये सच है कि इंसानी बनावट का संसार खुद में कई कई रहस्य समेटे हुए हैं। जो दिख गया वो किस्सा, जो नहीं दिखा वो बस एक पहेली। आज का अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय देखने के बाद हो सकता है आपका कोई हमशक्ल आपकी तलाश में निकल पड़ा हो, और अगर कोई आपका हमशक्ल आपसे टकरा जाए तो चौंकिएगा मत, क्योंकि ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है भगवान जाने। अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। अगर एक जैसे कई कई चेहरे देखकर आप हैरान हो रहे हैं तो अपने चेहरे के बारे में सबसे अद्भुत बात जानने के लिए तैयार हो जाइए। आप जब आईना देखते हैं तो आपको एक शक्ल दिखती है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपकी इस एक शक्ल में दो चेहरे। आज पढ़ेंगे हम चेहरे के अद्भुत विज्ञान। ये तो आप जानते होंगे कि हमारे चेहरे का दायां और बायां हिस्सा अलग होता है, पर इतना अलग कि दाएं और बाएं को अलग कर दें तो दो अलग अलग सूरतें दिखेंगी, यकीन नहीं होता ना? तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। ये चेहरा पहचानते हैं ना आप? अब हम इस तस्वीर को दो टुकड़ों में बांटते हैं, बाएं को क्लिप करके यानी पलट कर बाएं से ही जोड़ते हैं, एक तरह से मिरर इमेज समझ लीजिए, और दाएं को क्लिप करके दाएं से जोड़ देते हैं। अब ये देखिए, बाएं वाला चेहरा और दाएं वाला चेहरा, लग रहा है ना दो अलग अलग लोगों का चेहरा। ये कोई करिश्मा नहीं है, ये विज्ञान है। हमारे एक चेहरे में दो चेहरे छिपे होते हैं।